हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ JEE के परसेंटेज के बारे में। तो बेसिकली जो JEE है बेसिकली, ठीक है, उसके अंदर जो आपको परसेंटेज चाहिए वो डिपेंड करता है आपके न्यू जो सर्कुलर आया हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पे उसके अकॉर्डिंग। देखिए, लास्ट ईयर का 60% या 50% जो भी था उसके बेसिस पे आपके एडमिशन्स हो जाते थे, ठीक है। लेकिन इस बार जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उसने क्या किया कि यहाँ पे सर्कुलर जारी कर दिया है, और इस सर्कुलर के अंदर उन्होंने बताया कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, ठीक है। तो इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो आपका JEE के जो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होंगे वो 2023 के बेसिस पे मार्क्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे भी बता दिया गया है कि ये जो आप सर्कुलर देख रहे हो, ठीक है, ये टॉप 20 परसेंटाइल के कट ऑफ मार्क्स है, ठीक है। और ये किस बेसिस पे लिए हुए हैं, 500 मार्क्स के बेसिस पे लिए है, यानी कि टोटल 500 मार्क्स का पेपर है। तो आपको जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि जो ओपन या जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनका 351 मार्क्स होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज के बारे में डिस्कस करूँ तो कितना परसेंटेज होगा, तो आपको परसेंटेज निकालने आते ही होगा। क्या करना है, 351 है आपके पास, यहाँ पे 351 डिवाइड बाई 5 कर दो सीधा, ठीक है। या तो आप 500 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इसलिए बोला मैंने कि आपको ये इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 500 अगर हम करेंगे तो आपको इंटू 100 भी करना होगा, क्योंकि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो इसमें इंटू क्या करना होता है, 100 भी कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो 2 जीरोस है यहाँ पे वो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे 500 से, तो मतलब 5 ही आएगा। अब आपको डिवाइड कर लेना है, ठीक है, 5 है और यहाँ पे 35 है, 5 7 35 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 7, 5 7 35, और इधर पे 1 बचा है। तो अभी ये 1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट 1 0 देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 डिजिट ले लिया हुआ है, ठीक है, 2 डिजिट के बेसिस पे, तो 70 हो जाएगा। तो ये अपना ये भी हो गया, 1 भी इधर आ गया, तो 1 डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो डेसिमल लेना है यहाँ पे, ठीक है। और ये डेसिमल आके तो 1 के बाद 1 0 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, मतलब 70.2 का परसेंटेज आपको यहाँ पे कंपलसरी लाने ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए, तो अगर आप JEE करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 70% का कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। अगर 70% का आपका जनरल कैटेगरी के लिए अगर 70% है आपके लिए, तो दैट इज मीन्स कि आप इसमें एडमिशंस ले सकते हो, ठीक है, मतलब आप एलिजिबल हो चुके हो, जो कि ये ग्रुपिंग के लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए आपने जो JEE के जो अभी दिए हैं एग्जाम, ठीक है, उसके अभी रिजल्ट भी बाकी है, तो दैट इज मीन्स अभी आपके पास कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी तो नहीं है इसके बियॉन्ड, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो आपको यहाँ पे कट ऑफ पता चल गया है, ये जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इसके 2023 के अकॉर्डिंग ये जो कट ऑफ यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, इसके बेसिस पे ही आपको एडमिशंस मिलने वाले हैं। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे जनरल दिया हुआ है, हाँ नेक्स्ट वन, यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल एंड EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कोई भी परसेंटेज नहीं रखा हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग आते हैं हम लोग ओबीसी एनसीएल में। ओबीसी एनसीएल में यहाँ पे रखा हुआ है 60 356, ठीक है। तो 356 का अगर आप परसेंटेज लेते हो तो एटलीस्ट आपका 71.2 का क्राइटेरिया यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था अपना, 70.2, ठीक है, जनरल के लिए 70.2 है, और ओबीसी के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 71.2 का परसेंटेज, ठीक है, समझो यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको कट ऑफ दे दिया गया है। नेक्स्ट वन देखेंगे यहाँ पे 335 का यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 67, ठीक है, 67 का कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसके अंदर आप देख सकते हो कि ST और ST एंड SC ये दोनों का मार्क्स यहाँ पे सेम है 67, तो मतलब 67% का यहाँ पे JEE का कट ऑफ रखा गया है। आयोग की ये आप क्राइटेरिया समझ गए हो कि जो जनरल कैटेगरी ओबीसी ST और SC के लिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा गया है वो किस तरीके से रखा हुआ है।
ठीक है, तो ये परसेंटेज आप लेके चलिए, इस बेसिस पे आपके आने वाले टाइम में एडमिशंस हो जाएंगे, जिन बच्चों को ये मिलेगा और जिनका जो कास्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशंस मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। आपको लिंक ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ये सर्कुलर भी डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको कंटिन्यूअसली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।